आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह एक परिवार के साथ यहाँ पर मौजूद हैं, और बच्चे को किस तरह की बीमारी है और क्या आप मांग यहाँ पर कर रहे हैं ये जानना चाहेंगे। देखिए, मैं दिल्ली के लोगों से और देश के लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ। ये एक जो मासूम बच्चा अपनी माँ की गोद में आप देख रहे हैं, कनौ, इसको SMA Type 1 की बीमारी है, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी Type 1, बहुत ही गंभीर बीमारी होती है। 11 महीने का ये बच्चा है और जो इसका इंजेक्शन आता है उसकी कॉस्ट डॉलर के फ्लैक्चुएशन के हिसाब से, जो रुपी में कभी घटता है बढ़ता है, तो 16-17 करोड़ रुपए का इंजेक्शन है वो। और अगर इस बच्चे को वो इंजेक्शन नहीं लगा तो इसका जीवन बचाना मुश्किल हो जाएगा। आपने पहले भी ऐसे मामलों में मदद की है, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि कनौ के लिए अपना हाथ बढ़ाइए, 100 रुपये, 10 रुपये, 1000 रुपये, 1,00,000 रुपये, 10,00,000 रुपये, जिसकी जो क्षमता है वो मदद के लिए आगे आए और इस बच्चे का जीवन बचाने में हम लोग अपना सहयोग करें। मैं देश के प्रधानमंत्री से भी अपील करता हूं, उनको पत्र भी लिखा हूं, और मनसुख मांडविया जी जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको भी मैंने पत्र लिखा है कि इस बच्चे की मदद करें। क्या आप कहना चाहेंगे? बस आप सबसे यही, मेरे देशवासियों से, दिल्ली वासियों से बस यही हाथ जोड़ के विनती है, मेरे बच्चे को बचाने के लिए प्लीज़ हमें जितना हो सके उतना डोनेट कीजिए, प्लीज़। उनके पिता भी हमारे साथ है, क्या नाम है आपका? अमित नाम है सर। किस तरीके से आप लोगों से अपील कर रहे हैं और कैसे आपको ये बीमारी के बारे में पता चला? सर, बीमारी के बारे में हमें जब 6 महीने में इसकी पैरों की मूवमेंट कम हो गई थी तो तब से हमें पता लगा कि इसको ये बीमारी है, और इसका एक जेनेटिक टेस्ट होता है जिस जेनेटिक टेस्ट में डिटेक्ट हुई है। उसके बाद हमने सेकंड ओपिनियन जो है एम्स दिल्ली से लिया है, वहाँ से भी डॉक्टर के पैनल ने हमें लिख के दिया हुआ है कि इसको ये बीमारी है, साथ में मेडिसिन और मेडिसिन की कॉस्ट सब कुछ उन्होंने मेंशन किया है। ठीक है, डोनेट किस तरीके से आप डोनेशन मांग रहे हैं? सर, हम एक इम्पैक्ट करू फाउंडेशन है, उसके थ्रू ये डोनेशन इकट्ठा कर रहे हैं। ये एक ट्रांसपेरेंट वे है डोनेशन इकट्ठा करने का, जिसमें कि जो डोनेशन का अमाउंट है वो सीधा आपको हॉस्पिटल को जाता है या फिर जो कंपनी जो दवा बनाती है उसको जाता है, तो उससे हम एक क्राउड फंडिंग कर रहे हैं। और डोनेशन के लिए आप जो है ये QR स्कैन कर सकते हैं जो मैं दिखा रहा हूँ, इसमें अकाउंट नंबर है, UPI ID है, तो आप किसी भी मोड से ये पेमेंट कर सकते हैं। साथ में टैक्स में छूट है इस पेमेंट के लिए, तो आप जो है इसको इनकम टैक्स में ATG के अंडर क्लेम भी कर सकते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पे इन्होंने जानकारी दी, ये जो परिवार है ये जद्दोजहद कर रहा है अपने इस 11 महीने के बच्चे को बचाने के लिए। प्रधानमंत्री और देश के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको भी खत लिखा है। आपने कहा कि प्रेगनेंसी के दौरान ही इसका टेस्ट होता है और लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता, वो लोग कैसे अवेयर हों उसके बारे में? उसके लिए गायने उनको सजेस्ट करती हैं। एक्चुअली हमारे केस में नहीं हुआ था, कई गायनों को भी नहीं पता होता है कि ये टेस्ट कराना चाहिए या नहीं, बस वो पूछ लेते हैं कि आपके केस में कोई हिस्ट्री में कोई जेनेटिक बीमारी है या नहीं है। लेकिन कंपलसरी कर दिया जाए तो काफ़ी बच्चे इससे बच सकते हैं। ये प्रेगनेंसी के 11th और 12th वीक में ये टेस्ट होता है, जो प्रोटीन टेस्ट करके होता है, अगर वो करवा ले उसमें बच्चे पता चल जाता है, मतलब उसमें डिटेक्ट हो जाती है कि बच्चे में प्रोटीन की मात्रा बहुत ही ज़्यादा कम है, इस बच्चे को SMA की बीमारी हो सकती है। यहाँ पे परिवार अपील कर रहा है देश के लोगों से, और इस मुहिम में जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह, वो भी जुड़े हुए हैं। और ऐसी स्थिति में अब कहीं ना कहीं इस बच्चे को ज़रूरत है उस इंजेक्शन की, जिसके लिए बैंक अकाउंट की जानकारी भी दी गई है, और कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनके परिवार की आर्थिक मदद करें। कैमरामैन अंकित सिंह के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक।